हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट मतलब आज के टाइम का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम। आज के सिनारियो में इंटरनेट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके जितने भी काम है वो इंटरनेट के माध्यम से करना बहुत आसान हो गया। इंटरनेट ने हमारी डे टू डे की लाइफ को कितना प्रभावित किया है इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हमने किसी एग्जाम का पेपर दिया है तो उसको देखने के लिए हम इंटरनेट पहला माध्यम इंटरनेट होता है। अगर हमारा रिजल्ट आता है तो रिजल्ट देखने के लिए हम पहला माध्यम इंटरनेट देखते हैं। अगर हम शॉपिंग करते हैं, घर बैठे हम शॉपिंग कर लेते हैं आज, कैसे? इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, है ना। अगर आपको दूर कहीं बैठे आपके दोस्तों को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप बड़ी आसानी से आप इंटरनेट का उपयोग करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करना कर सकते हैं। और भी इसके उपयोग है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि कोई जॉब बार मान लीजिए आपको वेबसाइट बनाना आता है, कोई काम आपको आता है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी, तो ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ है? इंटरनेट के थ्रू हुआ है। आप इंटरनेट का उपयोग करके जॉब मतलब आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आपको इंटरनेट पे जॉब वर्क भी मिलता है। आप ईमेल का उपयोग करते हैं, ईमेल के थ्रू भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंटरनेट मतलब एक सूचना का माध्यम है ना, कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। लेकिन ये काम कैसे करता है दोस्तों? इंटरनेट मतलब बहुत सारे नेटवर्क की आपस में कनेक्टिविटी होती है और इन्हीं नेटवर्कों का उपयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। आज आपका मोबाइल फ़ोन उपयोग करते हैं, आप आपके मोबाइल फ़ोन में बात करने के अलावा और भी बहुत सारे काम आप कर सकते हो। वो कैसे संभव हुआ है? वो इंटरनेट के माध्यम से संभव हुआ है। इंटरनेट में दिन प्रतिदिन और सुधार हो रहा है, नेट की स्पीड को और बढ़ाया जा रहा है। हमारी कंट्री के ऐसे एरियाज जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर भी गवर्नमेंट ये कर रही है कि नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, तो इससे काफ़ी चीज़ों में हमारी सहूलियत हो गई है, काफ़ी हमारी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गई है, हमारे काम काफ़ी आसान हो गए, हमारे समय बच गया, हमारे एफर्ट काफ़ी हद तक बच गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसके कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं। इस तरीके से नेटवर्क से नेटवर्क का कनेक्शन होता है इंटरनेट में, और इस ये जो ट्रांसफ़र होता है डाटा वो कई फॉर्मेट में हो सकता है। वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकता है, इमेज फॉर्मेट हो सकता है, और इमेज टेक्स्ट वीडियो फॉर्मेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है, मतलब इंटरनेट नेटवर्क और नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो इंटरनेट पर तो वो कैसे चाहती है, मतलब पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट इधर मतलब सेंड करते हो, आपका कंप्यूटर है और आप आपके कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जैसे आपने www.facebook.com को कोई रिक्वेस्ट किया तो facebook.com पे आपकी रिक्वेस्ट जाती है फेसबुक के सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है, और वो रिक्वेस्ट एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जाती है, और वो जो रूल होते हैं जिस रूल के थ्रू फॉर्मेट होता है वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आईपी किस तरीके से काम करता है, आईपी एड्रेस के थ्रू क्या क्या किया जा सकता है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट आपकी ट्रांसफर होती है उसमें आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी होता है, और आईपी एड्रेस इसलिए होता है क्योंकि वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। अगर आप कोई भी डाटा सेंड करते हो तो आपके कंप्यूटर पर जो एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर आप यूज़ करते हो, जैसे आपने गूगल क्रोम यूज़ किया तो आपने गूगल क्रोम का उपयोग करके लिखा मान लीजिए www.facebook.com, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके कंप्यूटर का जो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंप्यूटर की आपकी रिक्वेस्ट के साथ आपके आईपी एड्रेस को भी ऐड कर देगा, जिससे कि फेसबुक को ये पता चल जाए कि हमको जो रिस्पांस रिटर्न करना है वो कहाँ रिटर्न करना है, हमको जो रिस्पांस रिटर्न करना है वो कहाँ पे रिटर्न करना है, वापस आईपी एड्रेस के ऊपर रिटर्न करना है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब भी कम्युनिकेशन करते हैं
तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल है, IP एड्रेस, इसमें कई तरह के एड्रेस की ज़रूरत होती है, कई तरह की नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू इस क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन होता है। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है, आपके यहाँ जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है। मान लीजिए आपने एयरटेल के थ्रू, आपका सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एयरटेल है, तो एयरटेल ने आपके यहाँ कनेक्शन प्रोवाइड किया, तो जो सिग्नल केबल आती है एयरटेल की वो एनालॉग सिग्नल होता है ना, क्योंकि एनालॉग सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो सिग्नल आपके कंप्यूटर में आ रहा है तो आपका कंप्यूटर उस सिग्नल को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जिसको हम मशीनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपके सर्विस प्रोवाइडर से जो सिग्नल आपके सिस्टम में आ रहा है, आपका सिस्टम उसको रीड नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस का हम उपयोग करते हैं, जिसको मॉडेम बोलते हैं। बेसिकली मॉडेम का काम ये होता है कि आपके जो भी सिग्नल आपके सिस्टम में आ रहा है उसका उसको ट्रांसफर करना, उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर करना। तो जैसे ही आपके सिस्टम से आपके सिस्टम में कोई सिग्नल रिसीव हुआ, आपके सिस्टम में रिसीव करने से पहले वो मॉडेम के पास जाएगा और मॉडेम उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट का जो सिग्नल 0 और 1 का है फॉर्मेट है, उसको आपका कंप्यूटर बहुत आसानी से रीड करेगा, और फिर आप जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करोगे वो रिस्पॉन्स जाएगा वापस से मॉडेम के पास। मॉडेम फिर डिजिटल से उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और वापस सेंड कर देगा आपके सर्विस प्रोवाइडर को। आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपका जो केबल है वो किसी राउटर पर लगाया है। राउटर वो नेटवर्क डिवाइस है जो आपके सिग्नल को फैलाने का काम करता है। राउटर का उपयोग बहुत तरह से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो राउटर का उपयोग वही देखेंगे कि एक स्टेशन है जो कि आपके सिग्नल को ट्रांसफर करता है इधर से आपके सर्विस प्रोवाइडर से अगले नोड की तरफ जिधर ट्रांसफर करना है। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि आईपी एड्रेस का क्या रोल होता है, HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, और इंटरनेट ट्रांसफर जब होता है डाटा इंटरनेट पे ट्रांसफर, तो किस तरीके से कौन कौन सी लेयर से होके गुजरता है। थैंक यू।